आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यूपी चुनाव की प्रक्रिया का आगाज हो चुका है। ये प्रक्रिया शुक्रवार यानी आज से शुरू हो रही है, जबकि आज पहले चरण में वेस्ट यूपी की 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन होगा। वहीं 21 जनवरी तक नामांकन होंगे। नामांकन में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जाएगा और हर सीट का नामांकन हर जिले के कलेक्ट्रेट में अलग अलग कक्ष में होगा। तो आज यानी कि 14 जनवरी से शुरू हो रहा है नामांकन और अलग अलग जगह नामांकन होगा और दफ्तरों में देखने को मिल रहा है अलग अलग पार्टियों के कि आज धूम है, जहां ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चालू रहेगी। और इस खबर पर हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है आज सभी पार्टी कार्यालयों पर? जी बिल्कुल, आपको साफ तौर से बता दूं, जिस तरीके से आज नॉमिनेशन होने हैं, पहले चरण की जो 58 सीटें हैं उस पे नॉमिनेशन आज होने हैं, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 58 सीटें हैं, 13 जिलों की जो 58 सीटें हैं उस पे आज नॉमिनेशन होने वाला है। तो कोरोना, जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, निर्वाचन आयोग ने साफ तौर से कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो जो भीड़ भाड़ है वो तो इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन फिलहाल इस बार आवेदन जो है वो भी ऑनलाइन होंगे और लगभग सिर्फ 2 गाड़ियों की अनुमति दी है चुनाव आयोग ने कि सिर्फ 2 गाड़ी में ही प्रत्याशी जा सकता है अपने लोगों के साथ और नॉमिनेशन कर सकता है। जी जी, तो कितने लोगों को साथ ले जाने की अनुमति है? जी बिल्कुल, सिर्फ 2 गाड़ी में लगभग 7 से 8 लोग ही पहुंच पाएंगे और वहां पे जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन ही होगा। और जिस तरीके से जो जैसा कि पहले देखा गया है कि लोग जाते थे और भीड़भाड़ काफी ढोल नगाड़े के साथ वहां पर जाते थे नॉमिनेशन में, और उसके बाद तो वो तमाम तरह की चीजें इस बार नहीं देखने को मिलेंगी। चुनाव आयोग ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं इसको लेकर, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इसको लेकर काफी सख्त है और नॉमिनेशन में सिर्फ 2 ही गाड़ी जाने की इजाजत दी है चुनाव आयोग ने, तो लगभग 7 से 8 ही लोग पहुंच सकते हैं। जी अजहर, जिस तरह से अलग अलग कक्ष में इंतजाम किए गए हैं सभी के नामांकन की, ऑनलाइन प्रक्रिया भी रखी गई है कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, और क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई, और पहले चरण के जो चुनाव हैं वो 10 फरवरी को होने हैं, तो आज जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूरी हो गई और सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की सूची भी तैयार कर ली सिवाय भारतीय जनता पार्टी के, और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आज और कल में भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर देगी। और कांग्रेस और सपा की बात करें, सपा ने भी अपना पश्चिमी जो उनका गठबंधन है जयंत चौधरी के साथ, तो उन्होंने भी अपनी सीटें 29 सीटों की घोषणा कर दी है, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां उन्होंने तमाम प्रत्याशियों की सूचियां भी तैयार कर ली। जो तैयारियां हैं उनको लेकर सब सारी चीजें पूरी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आज और कल में अपनी प्रत्याशियों की सूची तैयार कर लेगी और जारी कर देगी, क्योंकि 10 फरवरी को चुनाव होने हैं और आज पहले चरण की नॉमिनेशन डेट है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी सर, क्या यही वजह है कि अभी तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी करी, क्योंकि लगातार विधायक पे विधायक अपने इस्तीफे दे रहे हैं, तो अभी भी उनको लग रहा है कोई ऐसा विधायक ना हो जो इस्तीफा देना चाहता हो? जी बिल्कुल, साफ तौर से ये देखने वाली बात होगी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बीते 3 दिनों में किस तरह से आयुष मंत्री और श्रम मंत्री जैसे दारा सिंह, धर्म सिंह सैनी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, तो कहीं ना कहीं इनके साथ कई विधायक भी ऐसे जुड़े हैं जैसे विनय शाह के हों, और तमाम ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर थोड़ा सा देखना चाह रही है कि अभी और कौन ऐसे बाकी विधायक हैं जो चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खुद कई ऐसे विधायकों की सीटों को काटा है और जिनमें स्थानीय नाराजगी है लोगों में, तो उनके भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है, तो अब जो लास्ट जो ऑप्शन बचा है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है, और आज और कल में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी, तो ये देखने वाली बात होगी। अजहर, सपा कार्यालय पे जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या इसके पीछे की वजह यही है कि बीजेपी का दामन छोड़ के कई बड़े नेता और विधायक सपा में शामिल हो गए हैं, तो अब ये लग रहा है कि अब बीजेपी कमजोर हो गई और सपा मजबूत हो रही है?
जी बिल्कुल साफ तौर से शिखा, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। जिस तरह से पिछले वर्ग के जो बड़े नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, जो वर्तमान सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, जैसा कि दारा सिंह चौहान हो या सौमिल प्रसाद मौर्य हो या धर्म सिंह सैनी हो, तो ये आज समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन कर रहे हैं और आज नॉमिनेशन का दिन भी है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन साबित हो सकता है। और इसके अलावा उनके साथ तमाम ऐसे विधायक हैं जो आज सपा का दामन थामेंगे, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी में आज एक नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। जी अजहर, अभी बीजेपी शांत नजर आ रही है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है विधायकों के छोड़ने की, तो क्या कोई ट्रंप कार्ड है जिसकी वजह से वो शांत है और अब एंड मौके पर इसका खुलासा करेगी बीजेपी? जी बिल्कुल साफ तौर से जब राजनीतिक गलियारों में या राजनीतिक दलों में उठापटक देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे अखिलेश यादव की भी थोड़ी सी मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी सीटों को लेकर, क्योंकि जो इनके अपने अपनी सीटें हैं, जो अपने विधायक हैं, उनमें सीटों को लेकर कहीं ना कहीं अभी समाजवादी पार्टी से भी कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो डैमेज कंट्रोलिंग की बात करती चली आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसको लेकर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जो रणनीतिकार कहलाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो ये डैमेज हुआ है इसकी भरपाई करने के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लगी हुई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सर जुड़े हुए थे, और लगातार अब तैयारियां तेज हो गई है, राजनीति तेज चल रही है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, 11 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 3 बजे तक चलेगी। काफी तैयारियां कर ली गई है नामांकन को लेकर, ताकि सुविधापूर्वक और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करा जा सके। कोरोना के बीच पूरे प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं प्रयागराज में गंगा स्नान को लेकर कई पाबंदियां लगाई गई हैं। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की समय सीमा पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, मास्क बांटे जा रहे हैं, मेले में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों, नाविकों सह चालकों का कोविड टेस्ट अनिवार्य रहेगा। कल्पवासियों को कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट साथ लानी होगी। वहीं वाराणसी में भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धालुओं से गंगा स्नान की अपील की गई है। तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही जितने भी लोग हैं, जितने भी कल्प प्रवासी हैं, इन लोगों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। श्रद्धालुओं से गंगा स्नान की अपील की गई है कि जितनी भी कोरोना गाइडलाइंस है उसके बाद ही गंगा में स्नान करें, क्योंकि जिस तरह का हमने नजारा देखा था, वो बात करें कुंभ की, तो कुंभ में भी कोरोना के काफी केसेस बढ़े थे, लोगों ने आस्था को तवज्जो देते हुए कोरोना के डर को भुला दिया था और जो आस्था की डुबकी लगाई थी वो कोरोना की डुबकी हो गई थी, जिसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ा था और सरकार द्वारा जो चूक हुई थी उसे सरकार दोबारा दोहराना नहीं चाहती है, जिसकी वजह से इस बार सख्त गाइडलाइंस जारी की है। हालांकि लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए अनुमति दे दी है, पहले सरकार इस ओर ध्यान दे रही थी कि स्थगित किया जाए और इस पर रोक लगाई जाए, जो गंगा स्नान है उसकी अनुमति ना दी जाए, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। लेकिन कुछ गाइडलाइंस जारी करी गई हैं, जैसे दूर दराज से लोग आते हैं माघ मेले में, श्रद्धालुओं की समय पर थर्मल स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, मास्क बांटे जा रहे हैं, मेले में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों, नाविकों, सहचालकों, इन सभी का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, कल्पवासियों को कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट साथ लानी होगी। और साथ ही साथ बात करें प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी की, तो वाराणसी में भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धालुओं से गंगा स्नान की अपील की गई है। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरह से माघ मेले का आयोजन हो रहा है मकर संक्रांति पर, और देखा जा रहा है कि कोरोना का खतरा भी है देश में, तो क्या ये सही है? जी शिखा जी, मैं आप माघ मेले प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है कि लोग अपना RT-PCR टेस्ट
की रिपोर्ट लेके सामने है आए और इसके तहत इसको देखते हुए प्रशासन ने तकरीबन 6 किलोमीटर लंबे घाटों के 12 ऐसे टीम का गठन किया है जो 16 प्रवेश द्वारों पे निगरानी कर रही है। हर घुसने वाले व्यक्ति को स्क्रीनिंग की जाएगी उसकी और साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके उन्होंने मास्क का प्रयोग किया हुआ है। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से ये भी अपील है कि स्नान के साथ में मास्क का प्रयोग जरूर करें। बट पर ये हम देख पा रहे हैं कि तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं मेले में जो बिना मास्क घूम रहे हैं। इसके साथ ही मेले में भी संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। हाली ये खबर आई है कि तकरीबन 36 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और प्रशासन की शक्ति भी देखी जा सकती है। इसमें ये देखा गया कि 6 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनका मास्क न पहनने की वजह से चालान काटा गया है। जी अभिषेक, जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे, दूसरी तरफ मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान भी लोग कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज देश में कितने मामले सामने आए हैं। जी शिखा जी, देखिए कोरोना की जो लहर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये आज 11वां ऐसा दिन है जिस दिन जो भारत में लगातार 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस पाए गए हैं और ये दूसरा ऐसा दिन है लगातार जिस दिन भारत में 2 लाख से ज़्यादा केस सामने आए हैं। कुल मामले तकरीबन जो देश में हो गए हैं वो उनकी संख्या अब 3 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए आज हमें ये पता चला है कि 2,65,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस आज देश में सामने आए हैं। जी, तो जिस तरह से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए घाटों पे उमड़ रहे, घाट पे क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी शिखा जी, प्रशासन की तरफ से घाटों पे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग मास्क पहने और हर एक श्रद्धालु की RT-PCR रिपोर्ट हो जो नेगेटिव हो तभी उन्हें घाटों में एंट्री दी जा रही है। इसके साथ साथ प्रशासन की टीमें घाटों के अंदर भी गश्त कर रही हैं, जो लोगों से अपील कर रही हैं कि वो मास्क पहने और ये सख्ती जो है वो सुनिश्चित की जा रही है प्रशासन की तरफ से। लेकिन एक बार फिर हम ये देख पा रहे हैं कि जो धार्मिक आस्था है वो कोरोना पे भारी पड़ रही है। एक बार प्रशासन की तरफ से ये सोचा गया था कि ये माघ मेले को स्थगित किया जाए, पर धार्मिक आस्था को देखते हुए इसे अनुमति मिली है। बट कई शर्तें रखी गई हैं इसके लिए जो लोग आने वाले हैं। इसी के साथ ही जो कल्पवासी हैं जो पूरे माघ मेले के दौरान घाटों पर रहेंगे उनके लिए भी ये सुनिश्चित किया गया है कि वो उनकी RT-PCR रिपोर्ट हो जो नेगेटिव हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़े थे। तो श्रद्धालुओं के लिए आस्था की डुबकी की अनुमति दे दी गई है और साथ ही मास्क बांटे जा रहे हैं। मेले में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों, नाविकों, सह चालकों की कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। कल्पवासियों को कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट साथ लानी होगी। साथ ही सरकार ने ये भी आग्रह किया है कि जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए ही श्रद्धालु गंगा में स्नान करें। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव हो सिर्फ वही गंगा स्नान करें और बाकी लोग दूरी बना के रखें ताकि सभी स्वस्थ रहें और कोरोना का प्रसार ना हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।